नमस्कार, आपका स्वागत है राजनामा टीवी पर। मैं पूनम आपके साथ। विजय सेतुपति को स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म 800 के लिए अप्रोच किया गया था। यह फिल्म श्रीलंकाई क्रिकेटर मुथैया मुरलीधरन की बायोपिक है। हालांकि बाद में एक्टर ने अज्ञात कारणों के चलते फिल्म में काम करने से इनकार कर दिया था। विजय ने फिल्म के लिए ना क्यों किया, इसे लेकर अब मुथैया ने खुद खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि फिल्म को हाँ करने पर कई राजनेताओं की तरफ से विजय को धमकी मिलने लगी थी। परिवार की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए विजय ने फिल्म में काम करने से मना कर दिया। एक इंटरव्यू में मुथैया ने बताया कि IPL के दौरान इस फिल्म के डायरेक्टर ने मुझे बताया कि विजय सेतुपति एक शूटिंग के लिए मेरे वाले ही होटल में ठहरे थे। मौका था तो डायरेक्टर ने विजय के सामने मेरे साथ मीटिंग की पेशकश कर दी। विजय को मेरी क्रिकेट स्किल पसंद है, इस कारण वो मुझसे मिलने के लिए तैयार हो गए। मुलाकात के दौरान सारी चीज़ें सही रही। स्क्रिप्ट सुनने के लिए उन्होंने 5 दिन का समय निकाला। स्क्रिप्ट उन्हें बहुत पसंद आई। विजय ने कहा कि वो इतनी अच्छी कहानी को खोना नहीं चाहते हैं। फिर उन्होंने फिल्म में काम करने के लिए कंफर्म कर दिया। इसके बाद हमने उनके साथ डील पक्की कर ली और प्रोडक्शन हाउस से फिल्म की तैयारी शुरू कर दी। जब ये खबर सामने आई कि विजय मेरी बायोपिक कर रहा है, जब कुछ राजनेताओं ने कुछ गलत कारणों का हवाला देते हुए उन्हें फिल्म में काम ना करने की धमकी दी। मुथैया ने आगे कहा कि वो नहीं चाहते थे कि उनकी और उनकी फिल्म की वजह से विजय का करियर खराब हो। 800 एक स्पोर्ट्स फिल्म है और इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। जब फिल्म में विजय ने काम करने से मना कर दिया, तब मेकर्स ने उनकी जगह स्लमडॉग मिलियनेयर फेम मधुर मित्तल को लिया। फिल्म 800 6 अक्टूबर को तमिल, अंग्रेजी और सिंहली सहित कई भाषाओं में रिलीज होने वाली है। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।